नमस्कार, ओम शांति, पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आरएसएस प्रचारकों के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप, राजयोग मेडिटेशन का लिया प्रशिक्षण। नागपुर स्थित लोकमत मीडिया समूह और द हितवाद समूह के मुख्यालय पहुँचे बीके निकुंज, मीडिया कर्मियों के जीवन में आध्यात्मिक गुणों के समावेश पर चर्चा। और बुलेटिन में होंगे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बेटियों और नवरात्रि पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों की खबरें। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर देश सेवा को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के लिए 2 दिवसीय मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन हुआ। ये कार्यशाला हरियाणा की आरएसएस शाखाओं के प्रचारकों के लिए आयोजित रही, जिसमें महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, दिल्ली करोलबाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पुष्पा ने आरएसएस प्रचारकों से राजयोग मेडिटेशन पर गहराई से चर्चा की और इसके अभ्यास के लिए प्रशिक्षण भी दिया। हमें हमारे परमात्मा पिता ने जो लेसन का शुभारंभ किया, उसने कहा कि सबसे पहला लेसन है ये देह, ये एक चमड़ा है। इस चमड़े के कॉन्शियसनेस से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक अपने जीवन को, अपने कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके आप कर्म इंद्रियों में रहते हुए कर्म करो मुश्किल है। इसलिए ये देह आपका नाशवान चोला है और चोले को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हम आत्मा हैं, हम चोला नहीं है। ये सबसे पहले कॉन्शियसनेस में लाना होगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कर्म और एक्शन रिएक्शन दोनों चलते ही रहते हैं, उसका रिजल्ट सामने आता ही आता है। तो हम सबको हमेशा ही इसलिए अपने कर्म के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि उसका संबंध वर्तमान तक नहीं है, पास्ट से भी है और भविष्य से भी है। कार्यशाला में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े और महत्वपूर्ण चर्चा की। हमारा लक्ष्य है अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व का जगत गुरु बनाना, सर्वश्रेष्ठ देश बनाना, और उसके लिए आरएस जो बैकग्राउंड तैयार होता है, जो जड़ फाउंडेशन तैयार होता है, वो आरएसएस ने तैयार किया। तो उसके अंदर पहले तो देशभक्ति का बहुत गहरा भाव चाहिए, बरादरी भाव चाहिए, संगठन चाहिए, एकता चाहिए। भारत के सबसे पुराने मीडिया घराने लोकमत समूह के नागपुर स्थित मुख्यालय में संस्था के मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज का जाना हुआ, जहां लोकमत समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा जी ने बीके निकुंज का स्वागत किया। इसके बाद काफी देर चली मुलाकात में बीके निकुंज ने विजय दर्डा जी से मीडिया कर्मियों में स्पिरिचुअल वैल्यूज के समावेश पर बातचीत की। साथ ही विजय दर्डा जी ने बीके निकुंज को हिस्ट्री वॉल दिखाई, जिसमें लोकमत समूह की 100 साल की जर्नी के सुंदर पल सजे हुए थे। ऐसे ही नागपुर स्थित द हितवाद मीडिया के मुख्यालय में बीके निकुंज के पहुंचने पर द हितवाद के एडिटर इन चीफ विजय फणसेकर ने उनका स्वागत किया। काफी देर चली मुलाकात में बीके निकुंज ने विजय फणसेकर जी को संस्था के मुख्यालय में आयोजित होने वाले मीडिया सेमिनार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कारों की धरोहर बेटियां थीम पर इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की उप महाधिवक्ता श्रीमती अर्चना खेर,
अनादि कला केंद्र के डायरेक्टर मंजूषा जौहरी, दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य राघवेंद्र देराश्री, व्यवसायी राजेश अहूजा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इन अतिथियों का स्वागत प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शशि, इंदौर बीजलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के यश्विनी ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर बेटियों की सराहना की, साथ ही बेटियों का संरक्षण, समर्थन और सुरक्षा करने की अपील की। हम सभी बेटियां भारतवर्ष में पैदा हुई है, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। सेवा केंद्र प्रभारी बी के शशि दीदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें बेटियों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण जरूर करना चाहिए। समाज को और देश और विश्व को, या कहे मनुष्य मात्र को संस्कारवान बनाना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। क्योंकि सभी सुखी कब होंगे? जब सभी का सहयोग होगा और सभी की चाहना होगी और प्रैक्टिकल में कर्म भी होगा। ऐसे ही इंदौर के ओम शांति भवन में भी अभियान के तहत बेटियों के लिए कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसका उद्घाटन अरविंदो मेडिकल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी के वाइस डीन डॉक्टर छाया गोयल, इंदौर जोन की प्रभारी बी के आरती दीदी, महिला प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बी के विका, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बी के पूनम बहन ने दीप जलाकर किया। ऐसे ही रतलाम के पत्रकार कॉलोनी, डोंगरे नगर सेवा केंद्र, नरसिंहपुर के आम गांव बड़ा और मुंबई के वाशी सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। छू लो गगन के उस छोर को, ऊंची उड़ाने भरते चलो। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा SBK स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सहायक शिक्षिका बी के प्रवीणा ने बेटियों को देश की शान बताते हुए कहा कि भगवान ने बेटियों को कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं दी हैं। तो वहीं स्कूल के प्राचार्य तृप्ति सिंघल ने कार्यशाला को बेटियों के लिए प्रेरणादायी बताया। मध्य प्रदेश के सारंगपुर सेवा केंद्र पर नवरात्रि के पावन अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी लगाई गई, जिसका उद्घाटन करने पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, सरपंच तेज सिंह दरबार समेत कई अतिथियों ने सेवा केंद्र प्रभारी बी के भाग्य लक्ष्मी की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम में बी के भाग्य लक्ष्मी ने देवियों के आध्यात्मिक अर्थ को बताते हुए उनके समान आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का आह्वान किया। ऐसे अहमदाबाद के ईशानपुर, बेंगलुरु के JP नगर, इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर भी नवरात्रि पर्व के निमित्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखिए उसकी तस्वीरें। संतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, संतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। अब कुछ खबरें एक नजर में।
इंदौर के गुर्जर हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी इंद्रपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम। ओम शांति भवन की बीके राजमणि, इंद्रपुरी सेवा केंद्र की बीके पूर्णिमा एवं बीके सीमा ने कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स का किया सम्मान। गाजियाबाद के अरवाचिन वर्ल्ड स्कूल में टीचर्स के लिए अवेकनिंग द इनर कॉन्शियसनेस टू डील विद चैलेंजेस विषय पर वर्कशॉप। ब्रह्मा कुमारी दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र की बीके बहनों को मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रण। शांति सदन सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके गीता, बीके सावित्री और पूर्व सीएमओ बीके डॉक्टर संध्या ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का दिया संदेश। ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर व्यापार और उद्योग से समृद्ध और स्वर्णिम भारत विषय पर कार्यक्रम। संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने व्यापार में सफलता पाने के लिए मानसिक रूप से सशक्त बनने का दिया मंत्र। साथ ही कहा कि राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास मन को बनाता है शक्तिशाली। राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने दूसरों का सहयोगी बनने का दिया सुझाव। मध्य प्रदेश के मुरैना सेवा केंद्र पर महिला नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर आयोजन। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमा सिंघल ने घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में दिया जोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने कहा कि महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है आध्यात्मिक सशक्तिकरण।